थानासैया क्षेत्र स्थित विश्वविद्यालय में फीस को लेकर छात्रा को बस से ढकेल दिया, जिससे छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। छात्रा के पिता ने थानासैया में आरोपी शिक्षक के विरुद्ध लिखित शिकायत की है। सैया थाना क्षेत्र के गांव तेहरा स्थित शांति निकेतन विद्यालय में नौवीं क्लास की छात्रा के साथ विद्यालय की फीस न जमा करने को लेकर शिक्षक द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए विद्यालय से घर के लिए बस में बैठने पर धक्के देकर बाहर कर दिया। छात्रा के बस से गिरने पर पैर में गंभीर चोट आई है। करीब दो घंटे बाद परिजनों ने पहुंच घायल छात्रा को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सैया से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जाकिर हुसैन की रिपोर्ट। मैं पानी भरने गई थी तो मेरे पैर में चोट लग गई, तो मैंने मतलब कि जो मैम थी उन्होंने मेरे को बाइक पर बिठा के बस तक पहुंचाया, तो सर ने बोला पहले तो तुम अपनी बाइक ले जाओ, बाइक की एंट्री नहीं होगी तुम्हारी बस के ग्राउंड में। तो फिर मैं बस में चढ़ी तो उन्होंने मुझे बस में से धक्का दे दिया, सर ने उतरवा दिया और ये बोल रही थी कि आप लोगों की फीस नहीं लगी है, आपके पास 6-7 साल से मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तुम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हो मेरे पास। तो फिर हम वहाँ पे गए सर, वो अपने कैबिन में चले गए, कैबिन में जाके बैठ गए, तो ना तो उन्होंने कोई दवाई दी हमें और ना ही कुछ किया। और तब दवाई लेने गए तो उन्होंने ये बोला कि मैं दवाई नहीं दूंगा, अगर कोई रिएक्शन हो गया तो मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा पैर टूट चुका है और मेरा पैर टूट चुका है, उन्होंने कोई रिएक्शन भी नहीं लिया, ना ही स्कूल से कोई टीचर आया, ना उन्होंने मुझे देखा। कितनी देर तक आप स्कूल में पढ़े रहे? 3 घंटे। चोट खाया हुआ? 3.5 घंटे। फिर पापा को कैसे फोन किया? पापा को हमने भैया के फोन से कॉल किया, तब पापा आए। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? शांति निकेतन पब्लिक स्कूल। कितने टाइम से पढ़ते हैं आप स्कूल में? 4th क्लास से पढ़ रहे हैं, 6-7 साल हो गए। मेरे पास कॉल गया था, मेरी बच्ची शांति निकेतन पढ़ती है, जानते हैं, मेरे पास कॉल गया था कि बच्ची के पैर में लगी है और अन्य उसने धक्का मार दिया बस में, और बच्ची से अभद्रता कर रहा था, धमकी भी देता है, तुम्हारी फीस जमा नहीं है, तुम इस बस में नहीं जा पाओगे। मेरी बच्ची 2 घंटे उसमें ग्राउंड में पड़ी रही, किसी ने उठाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं आगरा से आया हूँ, उसके बाद मैं गया हूँ, जब मुझे पोजिशन मिली है मेरे घर वाले और भी पहुँच गए अंदर, इसलिए बैठा हुआ था, मेरी बच्ची बाहर बैठी थी, उसका पैर टूट गया है और धमकी भी देता है और बच्चियों से अभद्रता भी करता है। अब क्या चाहते हो? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कानूनी कार्रवाई हो, मैंने थाने में तहरीर दे दी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बच्ची साथ ये घटना हुई थी, ये बच्ची क्लास में गिर गई थी, तो उसके पैर में थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, फिर मैम ने इसको बच्चे के साथ ग्राउंड में भेजा था, लेकिन अंजू सर वहीं बस में खड़े हुए थे, तो हमने इस बच्ची को कहा था कि चलो बस में बैठ जाओ, घर पर जाके देख लेंगे, तो अंजू सर ने चढ़ती हुई बच्ची को धक्का मार दिया और कहा कि तुम्हारी फीस जमा नहीं है और अपने पिताजी को लेके आना और तब कल आके बात करना, तब तुम्हें बस में बैठा दिया जाएगा। फिर सब लोग ग्राउंड में से चले गए थे, ग्राउंड के दोनों तरफ से ताले लगा दिए गए थे, फिर एक दूसरे टीचर आते हैं, उन्होंने ताला खोला था, फिर उन्होंने दूसरे टीचर को कॉल किया था, तब वो बैग पे आके बैठा के लेके गए थे। अंजू सर ने बिल्कुल भी बच्ची को देखा नहीं है, कहने के लिए वो स्कूल के मैनेजमेंट है। फिर जब तक बच्ची ग्राउंड में पड़ी रही, ताला लगा, मैं और वो बच्ची और एक और बहन थी हमारी, हम तीनों लोग अंदर थे, ताला लगा दिया। हाँ, हमने अपने फोन से फोन किया, उन्होंने किसी को फोन नहीं किया स्कूल से, और कह रहे थे कि तुम्हारे घर वाले आएंगे वही लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने पेन किलर भी मांगा था लेकिन पेन किलर भी नहीं दिया। अब क्या स्थिति, कितनी चोट है बच्ची? बच्ची के पैर टूट गया है, उसका प्लास्टर चढ़ेगा।